नमस्कार, मैं शिवदास और आज हम बात करने जा रहे हैं काउ एग्जाम के बारे में। काउ एग्जाम क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीइंग सत्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गौ को हमारी संस्कृति में माँ का दर्जा दिया गया है। गौ की उपयोगिता को महत्व समझते हुए संस्कृत में एक श्लोक भी है, गौ विश्वस्य मातृ है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने एक राष्ट्रीय परीक्षा का आयोजन किया है, जिसमें गौ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे गौ विशेषज्ञ का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं थोड़ा गाय के महत्व के बारे में। विशेष रूप से अगर वो एक जानवर है जिसमें विचार और भावनाओं की कोई क्षमता है, अगर उसमें भावनाएं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। भारत में आज शहरों में शायद लोग नहीं जानते, आप गांव में देखेंगे कि लोगों का गाय के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। उन्होंने उस गाय का दूध पिया है, उनके बच्चे उस गाय का दूध पीते हैं, एक बहुत गहरा रिश्ता है। शायद आप न जानती हो, गाय एक ऐसा जानवर है कि अगर आपको कुछ होता है और आप किसी तरह के दुख में हैं, तो आपको गाय के पास होने की जरूरत नहीं है। गाय आपके घर में जहां भी हो वो आपके लिए आंसू बहाने लगेगी। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। जब घर में कोई मर जाता है, गाय को कैसे पता वो कहीं और है, पर बस आंसू बहने लगते हैं। तो जब उसमें इतनी गहरी भावनाएं हैं, तो उसे मारना एक इंसान को मारने की तरह है। ये हत्या है या इंसान का मांस खाना है, तो इसलिए ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है। हमें लगा ये बुनियादी समझ है। जब हमें भूख लगे तो मैं आपको काट कर क्यों नहीं खा सकता। तो आइए बात करते हैं कि काउ एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाए, उसके लिए आपको क्या करना है। गूगल पे पहले राष्ट्रीय कामधेनु आयोग सर्च कीजिए, जैसे कि आपको देख सकते हो यहाँ पे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग लिखा रहता है, बस इस लिंक पे क्लिक कीजिए और एग्ज़ाम में जाइए। एग्ज़ाम की डिटेल्स दिख रही है अभी, एग्ज़ाम तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन करके ऑप्शन है, उस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। यहाँ पे हिंदी 75 नंबर के मार्क्स का होगा, ये एक घंटे का एक पेपर होगा और हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी तमिल तेलुगु ये लेस लगभग अधिक घंटा ये दिया जा सकता है। एग्जाम का भी कुछ ऐसा ही, वो फाइनल एग्जाम का भी कुछ सेम ही चीज़ लिखी जा रही है, क्योंकि अभी
25 तारीख तक उसके एग्जाम कंडक्ट होंगे, उससे पहले ही ये सब कुछ आ जाएंगे। तो बस आज तक की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, और ऐसे राष्ट्र हित भावना से भरी हुई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए।